नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजा शुक्ला है और आप लोग वॉच कर रहे हैं राजा शुक्ला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि आज मैं दिखाने वाला हूं बीर बाबा मेला 2024। जी हाँ दोस्तों, बीर बाबा मेला हर साल दशहरे के दिन लगता है और इस मेले में बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महीन एडिटिंग है। जरा सा आपने स्किप किया तो बहुत से इंपॉर्टेंट दृश्य आप लोग देखने से वंचित रह जाएंगे। मेरे साथ खूब मजे से बीर बाबा का मेला एंजॉय कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए दोस्तों, एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो सीर इब्राहिमपुर के वीर बाबा मेले में यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि बर्गर चाउमीन की बहुत ही शानदार दुकान है। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मैम बर्गर और चाउमीन बना रही हैं, इनके हाथों में ऐसा कमाल है कि ये जब अपने हाथों से बर्गर और चाउमीन की प्रिपरेशन करती हैं तो आहा भैया क्या बात है, ऐसा लगता है कि बर्गर और चाउमीन खाते ही चले जाओ। आइए दोस्तों, थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चाट की दुकान में कुछ लोग गोल गप्पे एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो चाट की दुकान आप लोग देख रहे हैं, ये श्याम बाबू चाट भंडार है। मवई पुल पर इनकी बहुत ही शानदार दुकान है और श्याम बाबू के हाथों की बनाई हुई चाट और श्याम बाबू के गोल गप्पे, भैया क्या बात है, मुझे तो बहुत पसंद है। आइए दोस्तों, अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कहां क्या मिल रहा है और कौन क्या कर रहा है। दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ लोग चाउमीन एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि कहां क्या हो रहा है। ये यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि दुर्गा माता जी के मंदिर में ऊपर की तरफ कुछ बच्चे आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। स्वामी जी आसन लगाकर मजे से बैठे हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ बच्चे आपस में एंजॉय कर रहे हैं और उछल कूद कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए एक बार फिर बता दूं कि आप लोग देख रहे हैं बीर बाबा मेला 2024। आइए दोस्तों, आप लोगों को मेला घूम घूम करके चारों तरफ दिखाते हैं, देखते हैं कि कहां पर क्या मिल रहा है। दोस्तों, यहां पर आप लोग गोलगप्पे की दुकान देख सकते हैं, बहुत ही शानदार दुकान गोलगप्पे लगी हुई है और ढेर सारी गोलगप्पे की दुकानें। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ लोग गोलगप्पा एंजॉय कर रहे हैं और आगे चलने पर आप लोग देख सकते हैं ये जलेबी की बहुत ही जबरदस्त दुकान है, जहाँ पर जलेबी की प्रिपरेशन हो रही है। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि ये दुकान अवधेश गुप्ता की दुकान है। जी हाँ दोस्तों, अवधेश गुप्ता वही है जिनकी मवई पुल पर चाट चाउमीन बर्गर की बहुत ही जबरदस्त दुकान है। ये अवधेश गुप्ता के दोनों बच्चे हैं जो जलेबी की बहुत ही शानदार प्रिपरेशन कर रहे हैं और इनकी बनाई हुई जलेबी, भैया क्या बात है, बहुत ही लजीज होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। आइए दोस्तों, थोड़ा सा आगे चलते हैं और मेले में देखते हैं कि और क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ध्यान सिंह की जलेबी की बहुत ही शानदार दुकान है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेंटर में आदित्य सिंह अपने अजीज दोस्तों के साथ गोल गप्पे एंजॉय कर रहे हैं। सभी लोग खूब मजे ले लेकर के गोल गप्पे एंजॉय कर रहे हैं और मेला घूम रहे हैं। आइए दोस्तों, मेले में थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे श्री कल्लू चौरसिया जी, जिन्हें हम चाचा जी कहते हैं, शुरू से लेकर के अब तक इतनी ही बड़ी पान की दुकान है हमारे कल्लू चाचा की। चलो चलो भैया, आगे चलते हैं मेले में और देखते हैं भैया कहाँ क्या मिल रहा है और कौन कौन क्या क्या कर रहा है। यहाँ पर आप लोग दो दोस्तों को देख सकते हैं, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं मेला। दोस्तों, बीर बाबा के मेले में गाँव के लोग तो आते ही है, इवन आस पास के क्षेत्रों से भी खूब भारी संख्या में लोग आते हैं, चाहे फिर वो हमारी माताएं हो, बहने हो, भैया लोग हो, बड़े बुजुर्ग हो या फिर नन्हे मुन्ने बाल गोपाल हो, सभी बीर बाबा के दर्शन करते हैं और मजे से मेला घूमते हैं। इस बार के मेले में भी खूब भारी संख्या में लोग पधारे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि सभी लोग दर्शन भी कर रहे हैं और मेला भी घूम रहे हैं। बीर बाबा की हमारे क्षेत्र में बहुत ही बड़ी मान्यता है, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है बीर बाबा का, जहाँ पर बजरंग बली की बहुत ही जागृत मूर्ति है। दोस्तों, दूर दूर से लोग आते हैं, बीर बाबा के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए बीर बाबा से प्रार्थना करते हैं, साथ ही साथ प्रसाद भी चढ़ाते हैं। बीर बाबा के मेला का सभी लोग बहुत दिन पहले से इंतजार करने लगते हैं कि हमारा बीर बाबा का मेला आने वाला है। इवन छोटे छोटे बच्चे पहले से पहले पैसे जोड़ जोड़ करके रखने लगते हैं कि बीर बाबा का मेला आएगा तो हम सभी लोग अपने अपने मतलब का सामान खरीदेंगे। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और देखते हैं मेले में कहां पर क्या हो रहा है और कहां कहां क्या क्या मिल रहा है। दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू देख रहे हैं कि मेले में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, ट्रैक्टर से, फोर व्हीलर से, बाइक से लोग भारी संख्या में
मेले में आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चुन्नू निषाद गोल गप्पे एंजॉय कर रहा है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि ये दुबला पतला जरूर है, 20-20, 25-25 गोल गप्पे एक साथ खा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि चुन्नू निषाद इस बार के मेले में भी जम कर गोल गप्पे एंजॉय कर रहा है। ये देख लीजिए दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ लोग माता जी का विसर्जन करके गंगा तट से वापस आ रहे हैं और माता जी का जयकारा लगाते जा रहे हैं। जैसे ही मेले में इंटर किया और देखा कि वीडियो शूट हो रहा है तो हमसे कहा कि भैया हमारा सीन भी जरूर वीडियो में आना चाहिए। इस समय वीर बाबा के मेले में खचाखच भीड़ लगी हुई है दोस्तों, जहां देखो वहां भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। माताएं, बहनें, भैया लोग, बड़े बुजुर्ग, नन्हे मुन्ने, बाल गोपाल, सभी वीर बाबा के मेले में खूब व्यस्त हैं, मस्त हैं और अपने अपने मतलब का सामान खरीद रहे हैं। वीर बाबा के मेले में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, खचाखच मेला प्रांगण भरा हुआ है, सभी अपने अपने मतलब का सामान खरीदते नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीर बाबा का ये मेला पसंद आ रहा हो और अगर अब तक वीडियो को आप लोगों ने लाइक न किया हो तो जल्दी से जल्दी एक लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वीर बाबा मेला 2024 के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग वॉच कर सकें। कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि वीर बाबा मेला में सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद आया। और हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि वीर बाबा मेला के पिछले सालों के कई वीडियोस मेरे YouTube चैनल पर डले हुए हैं, आप लोग उन्हें भी जाकर के वॉच कर सकते हैं। दोस्तों एक जानकारी आप लोगों को और दे दूं, वीर बाबा मेले के दूसरे दिन बहुत ही बड़ा भंडारा होता है जहां पर संत महात्माओं के साथ साथ गांव और आसपास के क्षेत्रों के लोग भी आते हैं और वीर बाबा के दरबार में प्रेम से बैठ करके सभी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ रात्रिकालीन सभा में बहुत ही भव्य जागरण का कार्यक्रम रखा जाता है। दोस्तों सामने आप लोग दो सगे भाइयों को देख रहे हैं जो बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं और वीर बाबा का मेला एंजॉय कर रहे हैं। ओवरऑल सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है और सभी को बहुत ही ज्यादा आनंद आता है। अभी तो महीनों पहले से लोग वीर बाबा के मेले का इंतजार करते हैं और जब भी वीर बाबा का मेला आता है तो भैया फिर क्या बात है, सुबह से ही दुकानें लगना स्टार्ट हो जाता है और वीर बाबा प्रांगण में सभी दुकानदार आ आ करके अपना अपना अड्डा जमा लेते हैं। एक दिन पहले से ही गांव और आसपास के क्षेत्रों के लोग वीर बाबा मेले की तैयारी में जुट जाते हैं। कोई कपड़े धुलता है, कोई कपड़ों में प्रेस कर रहा है और पूरी तरह तैयार होकर के खूब सज धज कर वीर बाबा मेला के दिन वीर बाबा की तरफ प्रस्थान करने लगते हैं। दोस्तों सामने आप लोग देख रहे हैं देवराज गोल गप्पा वालों की दुकान है और देवराज गोल गप्पा वालों की दुकान में भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है चारों तरफ। इधर श्याम बाबू गुप्ता की चाट की दुकान भी वीर बाबा मेले में धुआंधार चल रही है। बलजीत गुप्ता और सनी गुप्ता की बर्गर की दुकान भी बहुत ही जोरदार चल रही है। सनी गुप्ता की चाट बर्गर और चाउमीन की दुकान में भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। दोस्तों इधर आप लोग भोला भैया डेयरी वालों को देख सकते हैं जो अपनी बिटिया के साथ वीर बाबा का मेला एंजॉय कर रहे हैं। कहीं चाट, कहीं गोलगप्पा, कहीं चाउमीन, कहीं बर्गर, कहीं जलेबी, लोग जमकर इनका स्वाद चख रहे हैं। साथ ही साथ दशहरे के इस त्योहार को हमारे यहाँ पान वाला दशहरा भी कहा जाता है तो लोग आज के दिन पान खाना भी बहुत पसंद करते हैं। जगह जगह पर मेले में पान की दुकानें सजी रहती हैं और सभी लोग मेले में न सिर्फ खुद पान खाते हैं बल्कि आपस में एक दूसरे को भी खिलाते हैं। बजरंगी सिंह को आप लोग हाथ जोड़कर वीर बाबा को प्रणाम करते हुए देख रहे हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो में वॉच कर पा रहे होंगे कि इस समय वीर बाबा का प्रांगण मेलार्थियों से खचाखच भरा हुआ है। आइए दोस्तों थोड़ा सा अब आप लोगों को मेले के दूसरी तरफ लेकर के चलते हैं, देखते हैं कहां क्या हो रहा है। दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं राधे श्याम की जलेबी की बहुत ही जबरदस्त दुकान है। राधे श्याम की जलेबी की दुकान के चारों तरफ भीड़ नजर आ रही है। इतनी भीड़ है कि राधे श्याम जलेबी तौल तौल करके दे नहीं पा रहे और लोग लगातार जलेबियों का ऑर्डर देते जा रहे हैं। दोस्तों आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि राधे श्याम के पास बिल्कुल भी बात करने तक का टाइम नहीं है, लगातार लोगों के ऑर्डर्स आ रहे हैं और दो लोग लगातार जलेबियां तौल तौल करके देते जा रहे हैं। ये जलवा है भैया राधे श्याम जलेबी वालों की दुकान का और श्याम बाबू की चाट भी खूब बिक रही है। एक जलवा और देखिए दोस्तों, यहां पर ब्लॉक प्रमुख जी की तरफ से शानदार आरओ की व्यवस्था करवा दी गई है कि लोग मेले में आएंगे, जलेबियां और चाट खाएंगे और बढ़िया ठंडा पानी भी पिएंगे। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये देख लीजिए ये हमारे आ गए नोखेलाल भैया। नोखेलाल भैया भी वीर बाबा का मेला एंजॉय कर रहे हैं। नोखेलाल भैया के साथ साथ और भी हमारे गांव के नवयुवक हैं जो जमकर मेला एंजॉय कर रहे हैं। ये दोस्तों वीर बाबा का प्रांगण है जहां पर लोग खचाखच भरे हुए हैं और अपने अपने मतलब के सामान की तलाश में जुटे हुए हैं। मेले में सभी लोग चारों तरफ घूमने के साथ साथ अपने अपने मतलब का सामान खरीद
खरीदते हुए नजर आ रहे हैं और जब भी टाइम मिल जाता है तो आपस में एक दूसरे से मीठी मीठी बातें भी कर लेते हैं। मेले का यही मजा होता है दोस्तों, लोग आपस में एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, बातें करते हैं और खूब अपनी मन पसंद की चीजें खाते और खिलाते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी अपनी मम्मियों से कभी झगड़ते हैं, कभी रिक्वेस्ट करते हैं कि मम्मी मुझे ये खरीदना है वो खरीदना है, और मम्मियों को देखा जाता है कि कभी अपने बच्चों को डांटती हैं तो कभी समझाती हुई नजर आती हैं। दोस्तों यही तो है गांव का मेला और यही तो है वीर बाबा का मेला। दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन वीर बाबा मेला गए थे कमेंट करके बताइएगा जरूर। बजरंगी सिंह अपने दोस्तों के साथ और हमारे ही गाँव के ये है बम्बू भैया, सभी लोग वीर बाबा के चरणों में बैठे हुए हैं। हर तरफ कुछ न कुछ सामान देखा सुना जा रहा है और हर तरफ कुछ न कुछ सामान खरीदा जा रहा है। कंटिन्यूएशन में लोगों की आवाजाही लगी हुई है, लगातार लोग मेला घूम रहे हैं और अब मेला अपनी चरम सीमा पर है। दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि कभी कभी मौसम की खराबी की वजह से ऐसा हो गया था कि मेला एक आध बार बिल्कुल ना के बराबर ही लगा था। इस बार भी सुबह से बादल चढ़े हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं मेले के दौरान बारिश न हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मौसम का मिजाज बहुत ही शानदार रहा। हल्की फुल्की धूप जरूर थी, लेकिन अगर मेले को देखा जाए तो मेले के हिसाब से मौसम बहुत ही खुश मिजाज था और लोग अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। दोस्तों हमारे ही गांव के कुछ नवयुवकों को आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, मूंछें वगैरह ऊपर करके बहुत ही आराम से मेला घूम रहे हैं। सभी लोग बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं, जिसको देखो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है और क्यों न हो आज हमारे गांव का वीर बाबा का मेला है। दोस्तों आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि मेला हमारे इंडियन कल्चर का एक अहम हिस्सा है, और फिर जब यूपी के मेले की बात आती है तो दोस्तों यूपी के मेलों की तो बात ही अलग होती है। मेले से रिलेटेड कई बॉलीवुड फिल्में भी बनी हैं और मेले से रिलेटेड कई बॉलीवुड सॉन्ग भी बने हैं, जिनमें से एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है मेला दिलों का आता है एक बार और आके चला जाता है। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो को बड़ा बड़ा के मत देखिएगा, नहीं तो बहुत से इम्पोर्टेंट दृश्य आप लोग देखने से वंचित रह जाएंगे। और अगर पहले से आप लोग वीडियो को बढ़ा बढ़ा करके देख रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से पीछे जाइए और पूरा मेला का वीडियो एक बार फिर से देखिए, बहुत आनंद आएगा। और अब धीरे धीरे आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने ही गांव के एक ठाकुर साहब और उनके डैडी जी से मिलवाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, सामने आप लोग देख रहे हैं हमारे ही गांव के आदरणीय मास्टर साहब श्री देव नारायण सिंह जी और उनके सुपुत्र बबलू सिंह जी को। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि पिता पुत्र दोनों ही बड़े खुश नजर आ रहे हैं, और क्यों ना हो भाई, आज वीर बाबा का मेला है। वीर बाबा के मेले में चारों तरफ आवाजाही लगी है, चाहे फिर वो हमारी माताएं हों, बहनें हों, भैया लोग हों, बड़े बुजुर्ग हों या फिर नन्हे मुन्ने बाल गोपाल हों, सभी लोग बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। कोई चाट खा रहा है, कोई चाउमीन खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई गोलगप्पा खा रहा है और कोई जलेबी खा रहा है। और हाँ दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि वीर बाबा के मेले में आज पान वाले दशहरे के दिन लोगों में पान खाने की भी होड़ लगी है, बहुत भारी मात्रा में पान बिक रहे हैं। वीर बाबा के मेले में शाम होने को आई है और अब भी वीर बाबा का प्रांगण मेलार्थियों से खचाखच भरा हुआ है। चलो भाई मेले से चलते चलते जरा चाट खा लिया जाए। आप लोग देख सकते हैं सभी लोग खूब चाट, गोलगप्पा, चाउमीन, बर्गर, जलेबी, सभी का भरपूर आनंद ले रहे हैं। तो दोस्तों वीर बाबा मेले का ये शानदार वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए। बहुत जल्द मिलता हूं अगले किसी शानदार, जानदार, जलवेदार, मसालेदार और झन्नाटेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय।